हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार, स्टफ़ मिर्ची का अचार। और ये भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी है और ये इम्यूनिटी हमारी बढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप ज़रूर बनाइए और ये एवरीडे आप खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने कुछ स्पाइसी ग्रीन चिलीज ली है, इसको वॉश करके मैंने सुखा के रखा है। तो चलिए देखते हैं स्टफिंग के लिए क्या क्या लगता है। देखिए, मैंने धनिया लिया है, इसको 3 टेबलस्पून लिया है मैंने। फिर मैंने बड़ी सौंफ ली है, इसको मैंने 1.5 चम्मच लिया है। फिर मेथी दाना लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड लिया है, सरसों का सीड। ये सभी को हम ग्राइंड करेंगे, मगर इसको दरदरा हमको ग्राइंड करना है कोर्सली। देखिए, इसको इतना दरदरा करना है आपको। और हम इसमें डालेंगे काला नमक, 1 चम्मच लिया है मैंने। फिर 1 चम्मच लहसुन का पाउडर जाएगा इसमें, और आमचूर पाउडर जाएगा 1 चम्मच, और थोड़ा सा हींग जाएगा। ये सबको हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच हल्दी भी डाल देंगे हम, और इसको अच्छे से हम पहले मिक्स करके लेंगे। तीन चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको हम पहले गरम करेंगे अच्छे से। अभी ये सब गरम गरम तेल हम इस मसाले में हम डाल देंगे स्टफिंग के अंदर, और इसको मिक्स कर लो। इसकी खुशबू लाजवाब आ रही है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच आप विनीगर डाल दीजिए, ताकि वो मिर्च को अच्छे से प्रिजर्वेटिव रखेगा। मसाला अपना अभी रेडी हो चुका है, अब हम स्टफिंग करेंगे। मिर्च को ऐसे सेंटर से काट के लीजिए। मैंने सभी मिर्च को ऐसे काट के रख दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, ताकि हम स्टफिंग इसमें भर सके। मिर्च को ऐसे पकड़िए और इसके सेंटर में ये स्टफिंग डाल दीजिए, उसको अंदर तक डालिए अच्छे से। एक बार अचार रेडी हो जाए, फिर इसको एयरटाइट कंटेनर में आप रख दीजिए, बाहर रख दीजिए 2 दिन के लिए। उसके बाद इसको यूज़ करिए, और आप इसको बाद में आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हरी मिर्च का अचार। बहुत ही इंस्टेंट है, और आप एवरीडे इसको खा सकते हैं। ये खाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।